बड़ी खबर सामने आ रही है हैदराबाद से। हैदराबाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान कान्हा शांति वनम आश्रम में पत्नी साधना के साथ किया योग। आचार्य शंकराचार्य ने पूरे देश को जोड़ा, ये बयान उनके तरफ से दिया गया। दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें कि रायपुर से सामने आ रही है जहां बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कालीचरण से की मुलाकात। मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान, महात्मा गांधी को टिप्पणी करने वाले को घर बुलाया, पूरे परिवार के साथ आशीर्वाद लिया। कालीचरण को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने अपने घर बुलाकर उनसे सपरिवार आशीर्वाद लिया। यह भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चरित्र है जो नाथूराम गोडसे से लेकर महात्मा गांधी के खिलाफ विष भवन करने वालों का हमेशा से महिमा मंडन करती है। कालीचरण को घर बुलाकर बृजमोहन अग्रवाल ने साबित कर दिया कि कालीचरण ने जो गांधी जी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया था उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थी। तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर अमल एंड्रॉयड ऐप टोकन तुहर हाथ किया गया विकसित। किसानों की सहूलियत के लिए एंड्रॉयड ऐप टोकन तुहर हाथ, धान बेचने घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे ऑनलाइन टोकन। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर यह बड़ा कदम उठाया गया। चौथी बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से, जहां आपको बता दें कि 1 नवंबर से आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होगा। आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे 9 देशों के कलाकार, जिसमें 4 देशों के कलाकार नृत्य महोत्सव में शामिल होने रायपुर पहुंचेंगे। रसिया, न्यूजीलैंड, टोको, मोजाबिक देश के कलाकार जो है रायपुर पहुंचेंगे। पांचवी बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें कांकेर से, कांकेर में 1 नवंबर को होने वाले राज्य उत्सव का बहिष्कार करेंगे सर्व आदिवासी समाज। बता दें सर्व आदिवासी समाज ने इसका बहिष्कार का ऐलान किया है। सर्व आदिवासी समाज ने बैठक की, बैठक में सभी समाज के लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि इस बैठक में यह फैसला लिया गया इसका बहिष्कार करेंगे। छठी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बता दें कि पीएफआई से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। गिरफ्तार सक्रिय सदस्य अनवर खान को जेल भेजा गया। शनिवार को कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। गिरफ्तार होने के बाद 2 दिन की रिमांड पर अनवर था। बता दें मोबाइल और लैपटॉप के जरिए मिले कई अहम सबूत। तो पीएफआई से जुड़ी बड़ी खबर, गिरफ्तार होने के बाद 2 दिन की रिमांड पर अनवर को भेज दिया गया है। सातवीं बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें कि मध्य प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, एम्बुलेंस का रास्ता में ही खत्म हुआ डीजल। बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है यहां पर बदहाल नजर आ रही है, एम्बुलेंस का रास्ते में ही डीजल खत्म हो चुका। टॉर्च की रोशनी में करानी पड़ी डिलीवरी। बता दें सोशल मीडिया पर वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। शाहनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आठवीं बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें मध्य प्रदेश कांग्रेस के किसी पोस्टर में नजर नहीं आएंगे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मुझे होर्डिंग पोस्टर से दूर रखा जाए, भारत जोड़ो यात्रा में मेरी फोटो ना लगे। दिग्विजय सिंह की तरफ से ये कहा गया है, पोस्टर में सिर्फ राहुल, सोनिया, खड़गे, कमलनाथ की फोटो हो। नौवीं बड़ी खबर सामने आ रही है ग्वालियर से, जहां बता दें कि मिलावटी डीजल पेट्रोल के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने ढाबों पर छापा मारा, पुलिस ने 4 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। 1528 लीटर पेट्रोल तो वहीं 660 लीटर डीजल भी जब्त किया गया है। ग्वालियर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, मिलावटी पेट्रोल और डीजल को लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की है, 4 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। दसवीं बड़ी खबर सामने आ रही है इंदौर से, जहां आपको बता दें कि पेट्रोल टैंकर में अग्निकांड का मामला सामने आया है। 5 और लोगों ने अपना दम तोड़ दिया।
17 लोगों को एमआई अस्पताल में भर्ती कराया गया। 11 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है इंदौर से, जहां टैंकर डीजल टैंकर पलटने से, बता दें कि यह हादसा हो गया, तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं, ये बड़ा हादसा, 11 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। 11वीं बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज पहुंचे रायपुर। बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को लेकर कर रहे हैं संपूर्ण देश का भ्रमण। 12वीं बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से, जहां आपको बता दें कि नशे में धुत पुलिसकर्मी की दादागिरी यहां पर देखने को मिली है। ट्रक चेकिंग के नाम पर नशे में पुलिसकर्मी की दादागिरी देखी गई। ट्रक क्लीनर और ड्राइवर पर जमकर धौंस जमाया पुलिसकर्मी का, राहगीरों ने वीडियो भी बनाया। तेरहवीं बड़ी खबर सामने आ रही है कटनी से, जहां कटनी में दबंगों का आतंक देखने को मिला। दो दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। शराब की दुकान में घुसने की पहले कोशिश की गई, दुकान संचालक पर हमला किया गया। नशे की हालत में थे ये तीनों आरोपी। दुकान संचालक पर हमला किया गया। चौदहवीं बड़ी खबर सामने आ रही है नर्मदापुरम से, बता दें कि बच्चों के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ किया जा रहा है। बीटीआई प्राथमिक स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाया गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नर्मदापुरम की तस्वीर सामने आ रही है, जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाया जा रहा है। जिन हाथों में पेन होना चाहिए उन हाथों में झाड़ू दिया गया है। 15वीं बड़ी खबर सामने आ रही है महासमुंद से, जहां बता दें कि महासमुंद के पिथौरा में मामूली विवाद में एक शख्स ने दूसरे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में घायल शख्स को इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया। महासमुंद पिथौरा में मामूली विवाद पर एक शख्स ने दूसरे पर कुल्हाड़ी से हमला किया, घायल शख्स को इलाज के लिए रेफर किया गया है। 16वीं बड़ी खबर सामने आ रही है मुरैना से, जहां दबंगों ने दलित परिवार के घर में घुसकर मारपीट की है। मामला सामने आया, बता दें कि मारपीट में परिवार के 6 लोग जो है वो घायल हो चुके हैं और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दबंगों ने घर के सामने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था। विरोध करने पर दलित परिवार के साथ यहां पर मारपीट की गई। तो 20वीं बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से, जहां बता दें कि संजीवनी क्लिनिक में बड़ी लापरवाही देखी गई है। 12 डॉक्टरों को बताया, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 2 दिन में जवाब मांगा गया है। ड्यूटी के निर्धारित समय से लेट पहुंच रहे डॉक्टर क्लिनिक पर। 12 बजे के बाद पहुंच रहे हैं डॉक्टर। सुबह 9 बजे है डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचने का समय। 21वीं बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें कि मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। शहर के हॉस्टल बनते जा रहे हैं डेंगू के हॉटस्पॉट। हॉस्टल में मिल रहे हैं डेंगू के नए मरीज। बता दें इंद्रपुरी इलाके में 21, वहीं कोलार में 16 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 359 हो चुकी है। 22वीं बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने यहां पर हवा को जहरीली बना दी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बड़ी बैठक बुलाई है, एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाई गई है और कई जगहों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया। तो लगातार दिल्ली में हवा जो है वो प्रदूषित होते जा रही है, प्रदूषण देखने को मिल रहा है। AQI लेवल जो है वो कई इलाकों में 400 के पार पहुंच चुका है। 23वीं बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें कि अफगानिस्तान के हेरात में तालिबानी बस पर हमला किया गया है। ISIS ने तालिबानी बस पर हमला किया, तालिबानी की बस पर की गई तोड़फोड़, वहीं फायरिंग भी की गई। ISIS हमले में 5 तालिबानियों की मौत बताई जा रही है। तो ISIS हमले में 5 तालिबानियों की मौत हो चुकी है, तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। बस में तोड़फोड़ की गई, फिर फायरिंग की गई। हेरात में तालिबानी बस पर हमला किया गया। चौबीसवीं बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में दर्दनाक हादसा।
हेलोवीन फेस्टिवल के दौरान मची भगदड़। भगदड़ में दबने से 151 लोगों की मौत, 100 घायल। भगदड़ के दौरान कई लोगों को आया टारगेट अरेस्ट। तो भगदड़ में बता दें कि 151 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।